हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जान गए हो कि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपके BPNL पशुपालन निगम। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक रिक्वायरमेंट निकली है जिसमें आप लोगों की पोस्ट रखी गई है 1343, योग्यता है 10वीं 12वीं और स्नातक। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यताएं रखी गई हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ाएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दिख रहा होगा साइड में उसको भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। और दोस्तों हाँ, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए देखते हैं हम कैसी क्या है भर्ती और कब तक होंगे इसके आवेदन। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यह लाइव हिंदुस्तान करके जो साइट से यहाँ से प्राप्त किया है वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BPNL रिक्वायरमेंट 2020 पशुपालन निगम में 10वीं 12वीं और स्नातक पास उम्मीदवारों के लिए बम्पर भर्ती है। आप चाहें तो उसका फुल नोटिफिकेशन साइट पे आके देख सकते हैं। जैसे दोस्तों हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, कैसा कब तक है, क्या क्या योग्यताएं वगैरह वगैरह, हर एक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, जैसे ही आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या BPNL रिक्वायरमेंट 2020 पशुपालन पशु यहाँ पे निगम लिमिटेड BPNL 10th और 12th और स्नातक पास उम्मीदवारों के लिए बम्पर भर्ती निकली है। BPNL के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार 1343 रिक्तियों के विभिन्न पदों को भरने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जैसे दोस्तों आप इसको और आगे बढ़ेंगे और रीड करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है क्या कि इच्छुक उम्मीदवार ध्यान रखें कि आवेदन 31 मई से पहले करना होगा। इन पदों के लिए स्नातक पास, 12वीं पास और 10वीं पास उम्मीदवार अपनी योग्यता अनुसार कर सकते हैं आवेदन। तो दोस्तों यहाँ पे साफ कर दिया गया है कि आप अपने पद के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। और यह पशुपालन निगम की यह भर्ती है जो कि 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए है और यहाँ पर आप लोगों के 1300 पद रिक्त हैं जिसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कैसा? ऑनलाइन, ना कि ऑफलाइन। नहीं तो बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर ऑनलाइन आवेदन करना है कि ऑफलाइन, और चूंकि यहाँ पे लिमिटेड बोला गया है तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि ये वैकेंसी फुली गवर्नमेंट नहीं है। ओके, तो आप और भी अच्छे से अभी देखेंगे हम आगे कैसा क्या है। चलिए बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पर थोड़े और आगे बढ़ेंगे, रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि रिक्त पदों का विवरण। कुल 1343 पद हैं जिनमें से 97 पद स्किल सेंटर इंचार्ज के लिए हैं, 188 पद स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर्स के पदों के लिए हैं और आपके 959 पद स्किल एडमिशन कंसल्टेंट, 1 पद वेटनरी और एडवांसमेंट सेंटर ऑपरेटर और 99 पद ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए रिक्त हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। दोस्तों जैसे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है। शैक्षणिक योग्यता में स्किल सेंटर इंचार्ज के लिए किसी भी विषय में स्नातक पास, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए किसी भी विषय में स्नातक और आपका स्किल एडमिशन कंसल्टेंट के लिए यहाँ पे 12th पास और स्किल एडमिशन कंसल्टेंट के 10वीं पास, कंप्यूटर साथ कंप्यूटर इंटरनेट का ज्ञान। मतलब कि यदि आप 10th पास हैं तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। ओके, जरूरी है। यदि आप 12th पास हैं तो आप स्किल एडमिशन कंसल्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप स्नातक हैं तो दोस्तों आप स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर स्किल सेंटर इंचार्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देखते हैं कौन सी पोस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर 5वें नंबर पर एक पोस्ट रखी गई है, ऑफिस असिस्टेंट्स। तो यहाँ पर 10वीं पास होने के साथ कंप्यूटर की जानकारी और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से थोड़े और आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है वो देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर योग्य उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए ईमेल के जरिए प्रवेश पत्र भेजा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा उसके आधार पर ही आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ओके, साफ कर दिया गया है कि योग्य उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए ईमेल के जरिए प्रवेश पत्र भेजा जाएगा। और आप इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप आइएगा hindustanlive.com साइट पर और आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके बाकायदा इसका नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं।
जैसे कि फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने इसका एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, मतलब कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म ओपन कर लिया है, उस नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। यहां पर निगम द्वारा निम्न पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदित विज्ञापित एक से अधिक सेवाओं के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करें। रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। यहाँ पर पदनाम दिया है कौशल केंद्र प्रभारी 97 पोस्ट, यहाँ पर कौशल विकास अधिकारी 188 और एज वगैरह देखिए यहाँ पे क्या है 25 से 45। आवेदन शुल्क 944 और वेतन रहेगा यहाँ पे 18,000 और यहाँ पर 21 से 45 एज 826 पोस्ट हैं, 15,000 वेतन रहेगा। आपके कौशल प्रवेश सलाहकार के लिए 959 पोस्ट हैं, 21 से 40 एज है और आपका 708 यहाँ पे आवेदन शुल्क रखा गया है और 1200 यहाँ पर वेतन है। इसी प्रकार से पशुपालन उन्नति केंद्र संचालक प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक है और आपका आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है क्या 21 से 40 और 900 आपके 590 फीस है और आपका वेतन रहेगा 10,000। इसी प्रकार से लास्ट है कार्यालय सहायक। तो दोस्तों आपके यहाँ पर पद की संख्या है 99 और दोस्तों यहाँ पे बोला गया आयु सीमा वर्ष में 1835, आवेदन शुल्क 472 और वेतन है 800 और पशुपालन उन्नति केंद्र संचालक प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक। ओके तो चलिए फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ पे देखेंगे भारत सरकार के नियमानुसार आवेदन शुल्क में 18% जीएसटी शामिल है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर भारत सरकार और गवर्नमेंट ये सारी चीजें आ रही हैं, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट वैकेंसी है। ओके देखिए आगे बढ़ते हैं और क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है विशेष में कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचना अंकित करें। आवेदन भरने से पूर्व विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। यहाँ पर पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता कौशल केंद्र प्रभारी यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय किसी भी विषय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कौशल केंद्र संचालन में अनुभव रखने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर कौशल विकास अधिकारी यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक फील्ड कार्य में अनुभव रखने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। फिर यहाँ पे बोला गया है क्या कौशल प्रवेश सलाहकार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से किसी भी विषय में 12वीं उत्तीर्ण। और यहाँ पे बोला गया है कि पाठ्यक्रमों में प्रवेश करवाने हेतु अनुभवी आवेदक को वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट बोला गया है कि पशुपालक यहाँ पर उन्नति केंद्र संचालक भारत में विधि द्वारा स्थापित व किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कंप्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा, मतलब कि आपके पास करीबन वो तो होने चाहिए डीसीए होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेंथ पास है तो ओनली टेंथ पास होने से कुछ नहीं होगा, आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके और टेंथ पास वालों के लिए डीसी हो सकता है। और यहाँ पे बात करते हैं क्या ऑनलाइन कंप्यूटर कार्य एवं इंटरनेट का ज्ञान आवश्यक है। नेक्स्ट है कार्यालय सहायक के लिए यहाँ पे भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कंप्यूटर आपकी शिक्षा हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग व ज्ञान होना आवश्यक है। ओके यहाँ पे कार्यालय के लिए योग्य अनुभव तो अन्य योग्यताएं फिर से दर्शाई गई हैं। स्वास्थ्य निगम में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। चरित्र निगम यहाँ पे बोला गया है निगम में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र अच्छा उत्तम होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है आप लोगों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओके यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया श्रेणी अनुसार कार्य दायित्व कौशल केंद्र प्रभारी के लिए यहाँ पर केंद्र पर निगम के चाहे अनुसार प्रति सत्र 6 माह 100 की संख्या में प्रशिक्षण यहाँ पे बोला गया है कि प्रशिक्षणार्थियों की व्यवस्था करना यहाँ पे कार्य के बारे में बताया गया है ना। उक्त 100 प्रवेश हेतु आपको नियुक्ति के पश्चात 1 माह का ही समय दिया जाएगा। केंद्र पर दिए गए लक्ष्यानुसार प्रशिक्षण हो ये सुनिश्चित करना। यहाँ पर सभी अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश देकर लक्ष्यानुसार कार्य करना एवं करवाना। यहाँ पे बोला गया है कि अन्य आदेशित कार्य आवश्यक रूप से करवाना। और भी यहाँ पे बोला गया है कि समस्त प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण करना है, इन सभी का दायित्व होगा कौशल केंद्र प्रभारी का।
और भी बहुत से दायित्व हैं दोस्तों, आप यहाँ पर वन बाय वन करके रीड कर लेना। कौशल विकास अधिकारी का, कौशल प्रवेश सलाहकार का, पशुपालन उन्नति केंद्र का, मैं इसकी वीडियो की लिंक दे दूंगा आपको नोटिफिकेशन की, आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तब तक लिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। मन में कोई डाउट आ रहा हो तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट्स करें, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तब तक लिए लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।